शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज सारंगपुर में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तारीख गुजरने के बाद की स्थिति देखें तो यूजी और पीजी में कुल 126 सीटें अब भी खाली रह गई है। इसी को देखते हुए कॉलेज में सीएलसी राउंड 10 अक्टूबर तक चलेगा। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर डीपीएस राठौर ने बताया कि यूजी या पीजी में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक समितियों के समक्ष जाकर एक फॉर्म भर रहे हैं। मेरिट के आधार पर बच्चों का चयन किया जा रहा है। कॉलेज में काफी सीटें उपलब्ध हैं, जबकि शासन के आदेश अनुसार कॉलेज में कुल 220 अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जा रहा है और वर्ष 2020 से 2021 के मुकाबले वर्ष 2021 से 22 में 25 से 33 प्रतिशत सीटें और बढ़ाई गई है। कॉलेज में इन सीटों पर प्रवेश भी दिया जा रहा है। बीए, बीएससी, बायो, एमए अर्थशास्त्र, हिंदी और राजनीतिक पाठ्यक्रमों में सीटें लगभग फुल हो चुकी है। 1 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 10 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें जो सीटें रिक्त हैं, विशेषकर जैसे बीकॉम है, पीजी बीसीए है, एमकॉम है, बीएससी मेस, इनमें जो सीटें रिक्त है, जो भी छात्र इसमें जो पंजीकृत छात्र है वो निर्धारित अपना फॉर्म लाएगा और समिति के सामने जाएगा। 10 से 12 बजे तक उसका फॉर्म लिया जाएगा और 1 बजे तक उसकी लिस्ट जो है गुणानुक्रम के आधार पर रिक्त सीट पर उसको प्रवेश दे दिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है 10 अक्टूबर तक होगा। छात्रों का वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, दूरी बना करके रखें, मास्क पहन करके रखें और अनुशासन में रखें, ऐसा हमने यहाँ पर निर्देश दिया है। तो हमारे जो अनुशासन समिति है पूरी तरह से निगरानी रखें। साथ ही कहा कि कॉलेज में बीकॉम, बीएससी गणित, बीएससी कंप्यूटर, एमकॉम की सीटें खाली है। सारंगपुर से मृदुभाषी के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।